अरे भाई साहब, हेलो जी, नमस्ते, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, डे है आज सैटरडे और दिन के बज रहे हैं 2। सुबह से मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था व्लॉग बनाने का, ना ही मैंने पिछले दिन बनाया है, नहीं तो आपको आज देखने को मिल जाता। तो कल भी ऐसा ही मूड था, अपसेट सा, तो आज सुबह से भी ऐसा ही था। तो मैं ब्लॉग जो है वो 2 बजे से शुरू कर रहा हूँ दिन के। आज सुबह हमने जाना था ट्रैक पे, मैंने, अज्जू ने और 2-4 भाई लोगों ने और ने। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले कि हम लोग ट्रैक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि ये जो आप पहाड़ देख पा रहे हो पीछे, तो यहाँ पे जाएंगे। लेकिन आप लोग मौसम देखोगे ना, तो भाई साहब चारों तरफ जो है वो बादल है। और वैसे में हम लोग सोच रहे हैं कि जिस दिन यार बिल्कुल सही होगा मौसम, धूप लगी होगी, उस दिन जाएंगे। लेकिन ये है कि सही होने का नाम ही ले रहा है। शाम के टाइम डेली यहाँ पे ऊपर चोटियों पे बर्फबारी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी हो बेशक, लेकिन हो जाती है। और हमने वेदर भी चेक करा, कल भी स्नोफॉल दिखा रहा है और परसों भी, मतलब सैटरडे, मतलब संडे और मंडे को स्नोफॉल बता रहा है। तो ऐसे में हमने सोचा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि हम लोग वहां पर फंस जाए और ऐसे में कोई, मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कि कोई परेशानी वाली बात हो जाए। तो इसलिए हम लोग जो है रिस्क नहीं ले रहे। जब सही होगा तब जाएंगे ट्रैक पर अब। और बाकी गांव से अभी थोड़ा सा दूर आया हूँ मैं, तो गांव में कोई लोग ही नहीं। तो कुछ लोगों को मैंने अभी कॉल करके बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि चिकन पार्टी करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि यार कोई घर में नहीं है, कोई अभी नहीं आ सकता हूँ, कोई मार्केट गया है, कोई काम पर गया है, तो कोई भी अभी साथ में नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, जो आज का ये ब्लॉग है ये नॉनवेज रहने वाला है, इसमें बनने वाला है भाई साहब चिकन। तो जो लोग चिकन नहीं खाते हैं, जो हेट करते हैं, वो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। तो मेरा प्लान ये है कि मैं पिछले कल चिकन लेके आया था, फ्रिज में रखा हुआ है, बाकी सारा सामान लेके जाता हूँ, सोलो कैंपिंग करते हैं, तो थोड़ा मूड जो है वो थोड़ा सही हो जाए। नेचर में अकेले बैठ के एकदम शांति मिलती है, तो वहां पर चलते हैं और चिकन विकन बनाते हैं अकेले ही, और तो कोई है नहीं। तो चलो पहले ऐसा करता हूँ कि ले लेते हैं जो जो मुझे चाहिए है, बाकी कोई अच्छी सी जगह पर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर जो है वो अच्छी जगह मुझे मिलती है। इन चीजें मुझे चाहिए, पहले तो ट्राइपॉड, तो मैंने सबसे पहले ये ले लिया है क्योंकि अकेले ब्लॉगिंग करने में तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मेरी। तो इसको भी डाल लेते हैं जेब में। तो लो जी, अभी सारा सामान इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, तो इनको कर लेते हैं पैक अभी। तो यार जो जो चीजें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली है सारी, इस बैग में सारी भरी हुई है, और जो धोने वाली चीजें थी वो मैंने धो ली है। अभी चलते हैं घर से थोड़ा दूर और देखते हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ से मतलब एकदम नजारा आ जाए, तो वहाँ पे बैठ के फिर बनाते हैं। 5 minutes later तो फाइनली यार गाइस, अभी मैंने एक जगह सेलेक्ट कर ली है, तो यहाँ से आसपास का व्यू भी एकदम खतरनाक वाला दिखता है और ये जगह भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इस जगह से खड़े होके आप लोग सामने व्यू देखे, एकदम चारों तरफ का व्यू जो है ना वो यहाँ से कमाल का आता है, ये देखे। तो यहाँ पे मैंने सामान रख दिया है और थोड़ी लकड़ियां भी ले आया हूँ, तो इन लकड़ियों से कुछ होने वाला नहीं क्योंकि सूखी है, तो जल्दी ही जल जाएगी। बाकी यहाँ पे चूल्हा लगाने की सोच रहा हूँ मैं, और देखते हैं अभी पत्थर भी जो है वो लाने पड़ेंगे चूल्हे के लिए, और लकड़ियां यहाँ वैसे पड़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो इनसे गुजारा हो जाएगा मेरा। तो इनको
अभी सभी इकट्ठी कर लेता हूँ पहले। तो लो जी, चूल्हा अभी बन के रेडी हो चुका है और ये लेके आया हूँ मैं बर्तन, इसमें बनाएंगे। तो अभी ये पूरा फिट आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्पेस भी काफी ज्यादा है नीचे, तो यहाँ पे आग जलेगी अभी। लेकिन उससे पहले इसको मैं मिट्टी लगा देता हूँ बाहर से, ताकि बर्तन जो है वो काला ना हो यहाँ से। तो अभी ये तो हो चुका है डन, तो अभी ऐसा करते हैं आग जलाते हैं फट। लेकिन अभी आग जलाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि टमाटर प्याज वगैरह जो है वो कट कर लेता हूँ, नहीं तो लकड़ियां ऐसे जल जाएगी और मैं प्याज और टमाटर ही काटता रह जाऊंगा। तो लो जी, टमाटर और प्याज कट के अभी रेडी है। तो ये मिर्च मैंने इस तरह से काटी है चारों तरफ से, तो देखते हैं फिर क्या रहता है इसका मसला। आग जलाते हैं जल्दी से। अभी आप लोग देखोगे ना तो धूप भी आ चुकी है, इधर सामने सूर्य निकला एकदम जबरदस्त और मौसम भी अभी साफ होने लग गए। इसका कोई पता नहीं होता, कभी बादल आ जाते हैं मिनटों में, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी धूप लग जाती है। यार एक सीन हो गया, अभी आप लोग माचिस की हालत देखोगे ना तो इसका जो इससे जो मतलब इस साइड से जलती है, जो ये जिससे जलती है ऐसे स्क्रैच करके, तो ये बिल्कुल ही साफ हो रखा है, तो ये जली नहीं रही है और मैं देख के भी नहीं लाया था। और बाकी अभी यहाँ पे एक टेम्पल है तो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पर होगी तो यहाँ से लेके आता हूँ, ले तो इसको ढक जाता हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि पीछे से ये साफ हो जाए, क्योंकि डॉग वगैरह यहाँ पे घूमते रहते हैं ना। इस तरह से इसको रख जाता हूँ, बाकी तो लगभग ठीक ही है। लेकिन यार अभी यहाँ पर भी देख ली मैंने, यहाँ पर भी नहीं है, तो अभी ऐसा देखता हूँ कि जो इसकी डिबिया होती है वो देखता हूँ यहाँ पे पड़ी हो कोई, तो उससे काम चल जाएगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है यहाँ पर भी। तो लो जी, एक तो मिला है मुझे, बोलते हैं ढूंढने वाले को तो क्या नहीं मिलता, तो ये मिला। एक और देख लेता हूँ, ऐसा ना हो कि ये भी खराब हो गया हो बारिश में। ये रहा, ये जी अब तो काम बन जाएगा। तो चलो अभी एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं अभी जलती है कि नहीं, ऐसा ना हो कहीं पोपेटी हो जाए यार, फिर तो घर जाना पड़ेगा। ये वाला अच्छा लग रहा है इससे, देखते हैं।
जल गई भाई, जल गई। तो फाइनली आग जल चुकी है, अभी कढ़ाई को रख देते हैं यहाँ पे और शुरू करते हैं जल्दी से प्रक्रिया बनाने की। सारी चीजें मैंने यहाँ पे ये रख दी है, बाकी तेल की कैन उठा के ले आया था मैं, इसमें थोड़ा सा ले आया था जितना से मुझे चाहिए था। तो चलो जी, अभी बर्तन भी गर्म हो चुका है तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम बनाना। आगे आग जो है वो कम लगी हुई है, पीछे ज्यादा लगी हुई है। ये जो पत्ते हैं ना, ये सूखे हुए हैं तो इनको एकदम से आग लग जाती है, तो इस वजह से तो अभी बुझा भी नहीं सकता मैं, तो ऐसे जलने दो इनको, अभी क्या कर सकते हैं। अरे भाई साहब, आग लगी इसमें तो। तो अभी मसाला जो है वो एकदम पक्के रेडी हो चुका है, तो अभी इसमें बारी है चिकन डालने की। तो चलिए जी, लेग पीस भी मैं लेके आया था, तो ये देखिए ये लेग पीस, एक और कहा है ये भी लेग पीस। तो भाई साहब, लेग पीस का तो नजारा ही अलग रहेगा, देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है और देखा में कितना प्यारा लग रहा है। अभी से मुंह में पानी आने शुरू हो गया है, जब बन जाएगा तब क्या होगा, देखिए कितना प्यारा कलर भी आ रहा है। तो अभी इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं, मैंने डाले नहीं थे पहले, तो मसाले वैसे मैं ज्यादा डालता नहीं हूँ। तो अभी इसको थोड़ी देर रहने देते हैं और पकने देते हैं इसको खुद ही। तो अभी ऐसा करते हैं, जब तक ये चिकन कुक होता है तब तक मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लेट जाता हूँ। वो मैट तो मैं लेके नहीं आया, मेरे पास थी नहीं, और मैं सोच रहा था कि बोरी ले चलता हूँ, तो मैं बोरी भी नहीं लेके आया, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ये नेचुरल फर्श जो है ना भाई साहब, और जो मैट है नेचुरल, ये बहुत तगड़े वाली है। तो यहाँ पे अभी करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, तब तक चिकन बन जाएगा, और तब तक क्या करते हैं कि शानदार से व्यू को निहारते हैं। 5 minutes later. तो यार थोड़ी देर यहाँ पे क्या लेटा, मुझे तो नींद ही आने लग गई थी। तो चिकन को तो देखते हैं कि आग बुझी ना गई हो और जल ही ना गया हो। अरे आग ही नहीं है जरा भी लगी हुई। अभी यार काफी देर हो चुकी है, तो देखते हैं अभी बन चुका है चिकन की नहीं। अरे भाई गर्म है, ओह नीचे लगने लग गया है, अभी नेवी बन चुका होगा अब तो ये। और आप लोग एक बार देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में ऐसे ही।
तो अभी आपको पीछे खींच लेते हैं और हल्की हल्की आंच रहने देते हैं। मैं भी बन चुका है अभी तो ये। फाइनली यार गाइस चिकन बन के रेडी हो चुका है, तो अभी इसको ऐसे कर देता हूँ मैं ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो साइड में हो जाए। ऐसे तेल ज्यादा डल गया था मेरे से तो इस तरह से कुछ, और बाकी थोड़ा सा नीचे भी लग गया। तो चलो अभी प्लेट में डालते हैं और टेस्ट करते हैं भाई कैसा बना है और कैसा नहीं। तो चिकन प्लेट में आ चुका है, तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसमें बटर डाल लेते हैं। तो लो जी ये आ गया बटर बीच में, इससे टेस्ट जो है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको ऐसे दबा देते ताकि मेल्ट हो जाए अच्छे से। घर से मैं चपातियां भी लेके आया था चिकन के साथ में खाने के लिए, तो अभी इनको कर लेते हैं गरम। गरम करेंगे हम लोग एकदम देसी तरीके से चूल्हे में। इधर तो लो जी रोटियां भी गरम हो चुकी है, अभी खा लेते हैं सलाद। तो लो जी प्लेट सज चुकी है, सलाद मिर्च और ये चिकन और साथ में है रोटियां। तो चलिए यार अभी करते हैं टेस्ट और देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है ये। साथ में चपाती ले लेते हैं। सही बोलू ना तो वेट नहीं हो रहा जरा सा भी, तो करते हैं टेस्ट अभी। अरे भाई साहब सही में बोलू ना, ऐसा चिकन मैंने कभी भी नहीं खाया है, ना होटलों में और ना ही रेस्टोरेंट में। आप लोग भी ऐसे बना के खाओगे ना मजा अलग रहने वाला है। एकदम बाहर एकदम शांत एरिया, ना कोई शोर शराबा ना कोई कुछ, एकदम मजे। और सामने इस तरह की पहाड़ियां हो तो मजा डबल हो जाता है सही में। और टेस्ट तो भाई साहब सही में लास्ट लेवल बना हुआ है। और जो मक्खन डाला है ना वो तो भाई कहर डाल रहा है कसम से। कुछ नहीं बोलूंगा सिर्फ ऐसे समझो नजारे कसम से। भाई साहब क्या गजब है यार, अल्टीमेट। अभी यार पेट पूजा हो चुकी है एकदम कंप्लीट और मूड भी एकदम अभी चकाचक हो रखा है। और अभी क्या है कि ये जो खलारा है जो सामान ऐसे बिखरा पड़ा है तो इसको अभी इकट्ठा करता हूँ मैं, और फिर थोड़ी देर यहाँ रुक के और फिर अभी चलते हैं घर। बाकी थोड़ा सा चिकन मैंने ये रहने दिया है क्योंकि घर में छोटा भाई है तो उसको ले जाऊंगा। जब मैं आया था यहाँ पे तो उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं था, तो फिर मैं अकेले ही आ गया, नहीं तो मैं उसको भी ले आता साथ। तो ये जो चिकन बचता है ये छोटे भाई को ले चलते हैं, वो खा लेगा। तो जी अभी सारा सामान पैक हो चुका है, बाकी चिकन मैंने इस बॉल में डाल लिया है, ये कैन बाकी सारा इसमें आ गया है। और इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि ये खेत जो है ये अपना ही है तो कोई बोलने वाला है नहीं। तो चलो अभी चलते हैं घर। तो गाइस यार अभी मैं जा रहा हूँ घर। घर क्या जा रहा हूँ मतलब पहुंच ही चुका हूँ घर में, ये रहा पास में। तो अभी ऐसा करते हैं कि आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ सजेशन भी देते रहा करो कि कैसे कैसे ब्लॉग जो है वो आपको चाहिए होते हैं, तो आपके डिमांड पे फिर वो वैसे वैसे ब्लॉग जो है वो
ला देंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जोर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाए। हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा भी और आरती का भी, और हमारा एक चैनल है जो मैंने नया बनाया कुछ दिन पहले, तो उन तीनों का लिंक जो है वो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। तो चलो मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा दोस्तों।